नमस्कार मित्रों, कोरिची बातो मोदाची। पिछले वीडियो में मित्रों आपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा समझाया था, फैमिली मेंबर्स के बारे में, हम फैमिली मेंबर्स को कैसे बुलाते हैं। एक्चुअली अपनी फैमिली और दूसरे की फैमिली जैपनीज स्टाइल में, जैपनीज कल्चर में थोड़ा अलग अलग बुलाते हैं। अपनी फैमिली को काजोकू बोलते हैं, याद आ रहा होगा आपको, काजोकू। और दूसरे की जो फैमिली होती है, अदर्स फैमिली होती है, उसे हम गो काजोकू बोलते हैं। क्लियर? गो काजोकू, काजोकू के साथ गो काजोकू लगा देंगे। ओके, अपने फादर को हम जब बात कर रहे थे तो चीची, मदर को ही हाहा इस तरह से, और ओनी, ये सारी चीजें, इमोतोसान, ये सारी चीजें आपको पता है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरे की फैमिली की बात कर रहे हैं कि दूसरे फैमिली मेंबर्स को, जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो उसके पापा को आप क्या बोलेंगे, ऐसे अंकल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में तो, लेकिन जैपनीज में क्या बोलते हैं, वो सब चीजें आप समझेंगे। दूसरे के भाई को कैसे बोलेंगे, बड़े भाई को कैसे बोलेंगे, छोटे भाई को कैसे बोलेंगे, सिस्टर को कैसे बोलेंगे, वो सारी चीजें हम बोलते हैं। उनके पति, तो उनके पति, अपने पति का तो पता है, लेकिन अपनी वाइफ को सुमा बोलते हैं, उनकी वाइफ को, दूसरे की वाइफ को क्या बोलेंगे, वो सारी चीजें समझेंगे। ओके, फादर को, दूसरे के फादर को बोलते हैं ओतोसान। क्या बोलते हैं? ओतोसान। क्लियर? ओतोसान, देखिएगा कैसे लिखा है मैंने, ओतोसान। क्लियर? ओतोसान देखिएगा, ठीक है। मदर को बोलते हैं ओकासान, लॉन्ग वॉइस है, ओतोसान में भी लॉन्ग वॉइस है और ओकासान में भी लॉन्ग वॉइस है। ओके, तो फादर को बोलते हैं ओतोसान, मदर को बोलते हैं ओकासान। कैसे लिखा है मैंने हिरागाना में, वो राइट साइड में देखिएगा और कोशिश करिएगा लिखने की, प्रैक्टिस बनेगी। ओतोसान फादर, ओकासान मदर। एल्डर ब्रदर को बोलते हैं ओनीसान, ओनीसान। ओके, एल्डर सिस्टर को बोलते हैं ओनेसान। क्या बोलते हैं? ओनेसान। सान आ रहा है सबके साथ, ध्यान रखिएगा, दूसरे की फैमिली के साथ आपको सान ऐड करना ही करना है। ओतोसान, ओकासान, ओनीसान, ओनेसान। यंगर ब्रदर को ओतोतोसान, ओतोतो अपने भाई को बोलते हैं, लेकिन ओतोतोसान क्या हो जाएगा, दूसरे का भाई, ओतोतोसान। क्लियर? ओतोतोसान क्या लिखेंगे आप? ओतोतोसान। क्लियर? यंगर सिस्टर को इमोतोसान, इमोतोसान। यंगर सिस्टर को क्या बोलेंगे? इमोतोसान, इमोतोसान, लॉन्ग वॉइस है। ओके, हस्बैंड को क्या बोलते हैं उसमें, इधर जो बोलते हैं, और हस्बैंड को ओत्तो बोल रहे थे, यहां पे गोसुजिन, अपने हस्बैंड को जब बात करते हैं तो ओत्तो बोलते हैं, लेकिन दूसरे के हस्बैंड को क्या बोलेंगे आप? गोसुजिन, गोसुजिन। अपनी वाइफ को सुमा बोलते हैं, सुमा, लेकिन दूसरे की वाइफ को क्या बोलेंगे आप? ओकुसान। क्या बोलेंगे? ओकुसान, सिंपल है, ओकुसान। चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को हमने क्या बोला था, लिखा था अपनी फैमिली के बच्चों को कोदोमो, लेकिन दूसरे ही फैमिली के बच्चे होंगे उनको क्या बोलेंगे आप? ओकोसान। तो ओकु और ओको, ओकुसान मतलब वाइफ, दूसरे की वाइफ, और दूसरे के चिल्ड्रन को ओकोसान, तो ये सिमिलर हैं, ओकुसान और ओकोसान। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओकुसान मतलब वाइफ और ओकोसान मतलब दूसरे फैमिली के बच्चे। क्लियर? एक और समझिएगा, ग्रैंडफादर, ओजीसान, अपनी जो फैमिली के लोग हैं ग्रैंडफादर, उन्हें सोफू बोलते हैं, सोफू, सोफू। अच्छा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी यूज कर लूंगा मैं। अच्छा, ये जरा हिल रहा है तो थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं कि ये ना हिले, तो ओके, ये हिल रहा है थोड़ा सा, वीडियो समझिएगा। ग्रैंडफादर, किसी दूसरे के ग्रैंडफादर की बात चल रही है, ओजीसान, और अपने ग्रैंडफादर सोफू, सोफू। ओके, ग्रैंड मदर ओबासान, दूसरे की ग्रैंड मदर ओबासान, अपनी ग्रैंड मदर सोबो, अपनी ग्रैंड मदर को क्या बोलेंगे? सोबो। कोई बात नहीं, इसमें नहीं लिखा गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कहीं यूज करेंगे ये सारी चीजें। ग्रैंड मदर ओबासान। ओके, पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? गोरियोसिन, ये दूसरे के पेरेंट्स हैं, गोरियोसिन।
क्या बोलते हैं, गोरियोसिन, और अपने पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, रियोसिन, रियोसिन। क्लियर? तो आज छोटा सा वीडियो रखेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। अपने तो ये दोनों फैमिली मेंबर्स की बात कर चुके हैं हम। अपनी फैमिली मेंबर्स की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, पिछले वाले वीडियो में की थी, और दूसरे की फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात आज करी है हमने इस वीडियो में। तो बने रहिएगा साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें लेके आएंगे। धीरे 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 करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिखाते चले, और ज्यादा हो जाता है क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज हमेशा टफ पड़ती है सीखने में। तो थैंक यू वेरी मच।